So here the writer told a story, with respect to the Arjun's standpoint. अर्जुन के स्टैंड पॉइंट से राइटर आचार्य विनोबा भावे इस बात को एक उदाहरण से समझाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि एक बार एक जज थे, उन्होंने सैकड़ों लोगों जो सैकड़ों जो क्रिमिनल्स थे, जो अपराधी थे, उनको डेथ वाले उसमें क्राइम में सैकड़ों लोगों को डेथ पेनल्टी दी थी, मतलब जजमेंट जो दिया था हैंड टू नेक टिल द डेथ। ये उस जज ने क्या किया, डिसीजन दिया, सैकड़ों अपराधियों को दिया, क्रिमिनल्स को। एक बार उनका खुद का जो सन था वो खुद मर्डर केस में उनके सामने लाए गए, कोर्ट में पेश हुआ। वो कोर्ट में पेश होने के बाद गिल्ट भी प्रूव हो गया, मतलब उनका जो सन था उस पर अपराध सिद्ध हो गया कोर्ट के अंदर। कोर्ट के अंदर जब अपराध सिद्ध हो गया, वो खुद जज थे, जब जजमेंट का टाइम आया तो जजमेंट की टाइम जो है जज साहब थे वो हेजिटेट हो गए। उनको उनके पुत्र का ध्यान आ गया कि ये मेरा पुत्र है, अपराधी नहीं है, ठीक है। और उन्होंने वहीं पर जज की कुर्सी से चेयर पर बैठ के आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर दिए कि डेथ पेनल्टी इन ह्यूमन, जो डेथ पेनल्टी है अगर हम मृत्यु दंड देते हैं किसी को तो वो अमानवीय कृत्य है। उन्होंने इस तरीके से आर्ग्यू लॉजिकली ये प्रूव करने की कोशिश की। और उन्होंने फिर ये कहा कि यदि किसी व्यक्ति को अपराध में उसने मर्डर, चाहे उसने मर्डर किया हो, पर अगर उसको मृत्यु दंड दे दिया जाएगा तो उसमें सुधार की अपेक्षा हम कैसे कर सकते हैं। उसको मृत्यु दंड दे देंगे तो सुधरेगा कैसे, उसके तो सारे सुधरने की जो संभावना है वो सारा खत्म हो जाएगा। फिर वो कहने लग गए कि इस तरीके से मृत्यु दंड देना अच्छी बात नहीं है, कम से कम उसको एक मौका तो दो। और तीसरा फिर वो पॉइंट रखते हैं कि आदमी इंटेंशनली मर्डर करता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, वो तो फिट ऑफ एंगर है, उसको जब फिट ऑफ एंगर साइकोलॉजिकल स्टेट है, वो पैशन में आके, जुनून में आके वो मर्डर कर देता है, बस उसके बाद उसको रियलाइज हो जाता है कि मैंने गलत किया। इस तरीके से वो क्या करते हैं, वो आर्ग्यू करते हैं, लॉजिकली उसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि नाउ ही वांटेड टू प्रोटेक्ट हिज सन एंड दैट इज द अटैचमेंट। यही मोह है, इसी को अटैचमेंट कहते हैं। यहां उनका जो ड्यूटी था ना, कॉल ऑफ ड्यूटी थी, वहां जाके कॉल ऑफ ड्यूटी के बीच में वो आर्ग्यू और क्या करने लगते हैं, आर्ग्यूमेंट के साथ वो करने लगते हैं, उसको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। तो राइटर ये कहते हैं कि ये जो स्टोरी है इसमें अर्जुन की स्थिति बिल्कुल उस जज जैसी हो गई है। किसके जैसी हो गई है, उस जज जैसी हो गई जिसका बेटा उसके सामने अपराधी के रूप में, मर्डरर के रूप में रखा गया है। अर्जुन की भी वही स्थिति है। तो दैट इज अटैचमेंट, ये उसका मोह है, अर्जुन का भी मोह है, उस जज का भी मोह है। तो इस इल्यूजन से बाहर निकलना पड़ेगा कि ये मेरा पुत्र है। वो उसको अपराधी की नजर से देखे ना, बाकी सैकड़ों क्या थे, वो भी तो किसी के पुत्र थे, तब तो उसको ध्यान दिया है। आखिरकार होता क्या है कि जब अपनी बारी आती है, अपनी उंगली कटती है, तो समझ में आता है सीधा सा गणित कोई भी। तो वो ये कहना चाह रहे कि इस अटैचमेंट से बाहर लाके उन्होंने जब इस तरीके से समझाया अर्जुन को, तैयार किया, तो अर्जुन तो फिर क्या है, उसके बाद पूरी गीता पढ़ी गई और उसमें सिर्फ ओनली अर्जुन, सिर्फ अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाया उन्होंने। अर्जुन को भी कब हुआ, अर्जुन वेन केम आउट फ्रॉम द इल्यूजन, अर्जुन कब बाहर आया उससे मालूम, जब उन्होंने लॉर्ड कृष्णा ने अपना विराट स्वरूप दिखाया कि हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही विष्णु हूं और मैं ही भगवान हूं, जब वो दिखाया था अर्जुन को, हाँ ठीक है, मैं जीत जाऊंगा, कॉन्फिडेंस आया, समझ में। सो दैट इज द वे, ये पूरा लेसन कंप्लीट हो गया है ना, ठीक है।